तो दोस्तों YouTube पर आपको ऐसा बहुत बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा जिसमें WhatsApp को हैक करने के बारे में बताया गया है। अगर आप उस YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन पर जाइएगा तो आपको ऐसा बहुत सारा कमेंट मिल जाएगा जिसमें बताया गया है कि मैंने अपने WhatsApp को इस वेबसाइट के जरिए हैक कर लिया। दोस्तों क्या असलियत में WhatsApp को हैक किया जा सकता है और हैक किया जा सकता है तो किन किन नॉर्मल तरीकों से WhatsApp को हैक किया सकता है और किन किन तरीकों से WhatsApp को हैक होने से बचाया जा सकता है, तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में ही बात करने वाला हूँ। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं साइबर सोरेक्स। तो दोस्तों पहला तरीका जिसे WhatsApp हैकिंग का नाम दे दिया गया है वो है QR कोड के जरिए। पहले तो ये कोई WhatsApp हैकिंग नहीं है, ये WhatsApp का ही एक फीचर है जिसके जरिए अपने WhatsApp को किसी भी अदर डिवाइस, सिस्टम या फिर लैपटॉप पे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको whatsappweb.com वेबसाइट पर विजिट करना पड़ता है, फिर वहाँ जो आपको QR कोड मिलता है उसको अपने WhatsApp से उसको स्कैन करना पड़ता है और सिंपली आप अपने WhatsApp को किसी भी अदर डिवाइस या फिर लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मेथड के जरिए अगर आपका WhatsApp किसी ने लॉगिन कर लिया है तो आप अपने WhatsApp के सेटिंग पे web.com के सेटिंग पे जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका आपके WhatsApp को किसने लॉगिन किया है और आप वहां से लॉगआउट भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगला तरीका जो वायरल हो रहा है वो है कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए। इसके लिए भी आपको विक्टिम का फ़ोन चाहिए होगा, उसके बाद विक्टिम के फ़ोन के डायल पैड में जाकर एक आपको एक नंबर डायल करना पड़ेगा। मेनली आप उसके कॉल को अपने फ़ोन पर फॉरवर्ड कर रहे हैं, फिर आपको एक नया WhatsApp अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर OTP वाला मैसेज के जगह OTP वाला कॉल को अपने फ़ोन पर लाना पड़ेगा, फिर आप एक उसके WhatsApp को अपने फ़ोन पर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से बचने के लिए आप अपने फ़ोन को किसी भी अनवांटेड पर्सन को मत दीजिए और आपके WhatsApp का जो 2-step वेरिफिकेशन वाला जो सिक्योरिटी होता है उसको आप ऑन कर लीजिए। आप WhatsApp के सेटिंग पर जाकर 2-step वेरिफिकेशन वाला सेटिंग को ऑन कर सकते हैं, जिसके बाद आपके WhatsApp को कोई भी आसानी से हैक नहीं कर सकता है। और दोस्तों अगला जो तरीका है वो है स्पायवेयर ऐप के जरिए, लेकिन इसके लिए भी आपको विक्टिम का फ़ोन हर हाल में चाहिए ही चाहिए होगा। उसके बाद विक्टिम के फ़ोन पर आपको एक स्पायवेयर ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसी यूजर नेम और पासवर्ड के साथ उस ऐप को अपने फ़ोन पर ओपन करना पड़ेगा, फिर आप विक्टिम के फ़ोन के मैसेजेस को OTP को अपने फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से बचने के लिए अपने फ़ोन को किसी भी अनवांटेड व्यक्ति को मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके फ़ोन में कोई स्पायवेयर ऐप है तो उसको तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए। सेटिंग में जाकर आप चेक कीजिए कि आपका डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन कोई अनदर ऐप लिया है जिसको आप नहीं पहचानते हैं तो उसको परमिशन को मत दीजिए। और प्ले स्टोर में आपको ऐसा बहुत सारा ऐप मिल जाएगा जिनकी एंटी स्पायवेयर ऐप मिल जाएगा, उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। अगर आपका फ़ोन में कोई स्पायवेयर ऐप होगा तो वो ऐप बता देगा, फिर आप उस ऐप को अनइंस्टॉल कर आप सेफ हो सकते हैं। और दोस्तों अगला जो तरीका वायरल हो रहा है वो है वेबसाइट के जरिए। अगर आप गूगल पर जाकर लिखते हैं हाउ टू हैक WhatsApp तो आपको ऐसा बहुत सारा वेबसाइट मिल जाएगा जो WhatsApp को हैक करने का दावा करती है। अगर आप उस वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आपसे विक्टिम का फ़ोन नंबर मांगा जाएगा, फिर एक झूठा मोटा सा लोडिंग वाला प्रोसेस होगा कि आपका WhatsApp अकाउंट हैक हो रहा है, फिर आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन दिया जाएगा, फिर एक अगला स्टेप घुमा फिरा के आपके टाइम को, इंटरनेट डेटा को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जा रहा है। दोस्तों वहाँ से भी आप WhatsApp अकाउंट को हैक नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस तरह किसी वेबसाइट पर किसी का भी फ़ोन नंबर डाल देते हैं तो बाद में फिर आपको एडवर्टीजमेंट वाला SMS आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इस तरह किसी भी वेबसाइट पर किसी का भी फ़ोन नंबर मत डालिए, बाद में ये आपको बहुत सारा प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। दोस्तों सिंगल साफ शब्दों में कहा जाए तो WhatsApp को सिंपल तरीके से हैक नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग आम आदमी WhatsApp को हैक नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत सारा स्किल का ज़रूरत पड़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है कोई सुझाव है नीचे कमेंट में जरूर पूछिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए।